an element crystallizes in the BCC structure. The edge length of its unit cell is 288 picometer. If the density of the crystal is 7.2 gram per centimeter cube, what is the atomic mass of the element? हमें क्या क्या गिवन है? हमें इसका डेंसिटी दिया है इस क्रिस्टल का 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एज लेंथ गिवन है 288 पिकोमीटर. अब पूछा क्या है हमसे? एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है. अब डेंसिटी और एज लेंथ, मोलर मास, इन सब में क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, यही होता है रिलेशन, ठीक है. ठीक है, अब निकालना क्या है? एम निकालना है, तो यहां से जो मोलर मास है या फिर एटॉमिक मास है वो कितना आ जाएगा इस एटम का? डी इंटू एच लेंथ का क्यूब इंटू एन ए अपॉन में जेड, यानी नंबर ऑफ एटम्स को यूनिट सेल. जेड क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स को यूनिट सेल. अब क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जेड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? टू. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बीसीसी में कितने होते हैं? टू. ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब एच लेंथ, अब देखो आंसर जो है हमें किसमें निकालना है? अच्छा, एटॉमिक मास निकालना है. ओके, अब जो ए है यानी कि एच लेंथ है वो पिकोमीटर में दी दी है, ठीक है, जबकि डेंसिटी हमें सेंटीमीटर क्यूब में पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, तो बेटर है हम इस एच लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. इस टाइप की क्वेश्चंस में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है. तो यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करने के लिए हमें इसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. अब एक पिकोमीटर में 10^-12 मीटर होता है, या फिर इसी को मैं बोल सकती हूँ 10^-10 क्या होते हैं? सेंटीमीटर. मीटर को आप सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक पिकोमीटर में 10^-10 सेंटीमीटर. तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 288 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 2.88 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर. तो ये हो गई हमारी एज लेंथ किसमें? सेंटीमीटर में. अब यहां आराम से पुट कर सकते हैं, ए का क्यूब यानी 2.88 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, वो तो हमें पता ही है 6 × 10^23, और अपॉन में क्या है हमारे पास? जेड, विच इज 2 फॉर बीसीसी. तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2. ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी मोलर मास यहाँ से कितना आ जाएगा? 7.2 इंटू 2.88 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10^-8 इंटू 324. अब ये तो कैंसिल हो जाएगा इंटू 3 × 10^23, ठीक है. अब जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो जो हमारा मोलर मास है अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 51.8 ग्राम पर मोल, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलर मास कितना आएगा? 51.8 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, तो यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना था, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में थी इसलिए हमने एच लेंथ को भी किसमें चेंज कर लिया? सेंटीमीटर में. ऑल राइट.